अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि ये नैन्सी और जॉन फ्रेटीज हैं, इनके जो बेटे हैं पीट फ्रेटीज, उन्हें ALS हुई थी बीमारी, और उन्होंने ये सोचा था, आइस बकेट चैलेंज उन्होंने कंसीव किया था, और उसके ज़रिए उन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए पूरे विश्व भर में जमा किए और एक अवेयरनेस क्रिएट की ALS के बारे में, ताकि आने वाली पीढ़ियों में जितने जनरेशन से, नैन्सी बता रही थी करीबन 70,000 लोग हर साल हिंदुस्तान में ALS से सफ़र करते हैं और उनको अभी पता भी नहीं है, डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है कि इन्हें क्या हो रहा है। और 3 से 5 साल जिस तरह से कैंसर लोग फिर भी 10 साल कभी सर्वाइव कर लेते हैं, कभी रेमिशन में चला जाता है, पिछले 12 साल से मैं खुद कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते आ रहा हूँ। ALS की प्रॉब्लम ये है कि 3 से 5 साल, जस्ट 3 to 5 years बीमारी आपको जीने देती है, बाद में आपके फेफड़ों को जकड़ लेती है। इनके जो बेटे हैं जिन्होंने ये शुरू किया था पीट फ्रेटीज, आज उनकी भी मेडिकल अवस्था ऐसी है कि वो वेंटिलेटर पे हैं, वो खुद सांस ले नहीं पाते। बीमारी एक स्पोर्ट्स पर्सन थे, वो एथलेटिक पर्सन थे, और उसके बाद 3 साल 5 साल के अंदर बीमारी ने इस तरह उन्हें जकड़ लिया, 2012 से 2015 3 साल में ऐसे जकड़ लिया कि अब वो खुद सांस भी नहीं ले पाते। और 70,000 ऐसे लोग हिंदुस्तान में हर साल गुजर जाते हैं, हर इन लोगों के लिए कोई इलाज नहीं, और इलाज के लिए अब जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो फेमस है रिसर्च में पूरे विश्व भर में, इन लोगों की मेहनत से आज जॉन्स हॉपकिंस उस इलाज में 75 साल बाद आफ्टर 75 years आगे बढ़ने लग गया है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, नैन्सी और जॉन आए।